गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 29 जुलाई 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स का। आज की करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो ये किए 5%। पहले 12% थी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर, अब इसे घटाकर कर दिया गया है 5%। और अभी कुछ दिन पहले बताया था, 2-4 दिन पहले, अभी नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे, इसकी घोषणा हुई थी। तो 100 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नोएडा में। अब ये जीएसटी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो जीएसटी की बेसिक फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। भारत में तो हुआ था ये 1 जुलाई को 2017 को, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जीएसटी लागू किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले 1954 में लागू किया था फ्रांस ने। तो वर्ल्ड का पहला कंट्री था फ्रांस जिसने जीएसटी लागू किया था, और 1954 में किया था। और बात करें भारत में किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया है, तो यह सबसे पहले लागू किया था भारत में असम ने। किसने किया था? असम ने, लेकिन घोषणा तेलंगाना ने की थी, लेकिन असम ने लागू किया था भारत में जीएसटी। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीएसटी का वर्णन है? तो ये 279A, इस अनुच्छेद में जीएसटी का वर्णन है संविधान के। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा है। तो इस योजना में क्या है? तो इस योजना में अगर आप अप्लाई करते हो इसमें, तो आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा दिया जाएगा, 2 लाख रुपए का दुर्घटना में जो एक्सीडेंटल बीमा, तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे दुर्घटना बीमा में। तो ये उत्तर प्रदेश रहा है इसमें सिर्फ में। तो मैप में देखते हैं यूपी को, ये रहा मैप में यूपी। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। यूपी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर अभी नए बने थे आनंदीबेन पटेल। पहले राम नायक जी थे, अब बने आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर, पानी के अंदर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है? तो म्यूजियम का अनावरण किया है पानी के भीतर जॉर्डन ने। तो हाल ही में जॉर्डन ने पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है। अब ये किए हैं जॉर्डन ने, तो मैप में देखते हैं जॉर्डन को, ये रहा मैप में जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अमान। करेंसी है जॉर्डन की जॉर्डन दिनार, और प्रधानमंत्री है जॉर्डन के ओमर रजाज। तो जॉर्डन ने किए पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विप्रो ने अपने डिजिटल अनुपालन उत्पाद अनुपालन लेब कहाँ लॉन्च किए हैं? यहाँ पे कहाँ आएगा, कहाँ लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैदराबाद में। तो हैदराबाद में लॉन्च किए विप्रो ने अपनी डिजिटल उत्पाद अनुपालन लैब। अब ये किए विप्रो ने, तो विप्रो इंपॉर्टेंट है। विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और वर्तमान में चेयरमैन है इसके अजीम प्रेम जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बंधन बैंक में अपने कारोबार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किए संजीव नारायणी को। तो संजीव नारायणी को बंधन बैंक ने अपने कारोबार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब ये किए
बंधन बैंक ने, इससे पहले संजीव नारायण SBI बैंक में थे, तो अभी इनको नियुक्त किया है बंधन बैंक ने अपने कारोबार प्रमुख के रूप में। अब ये क्या है बंधन बैंक ने, तो मैं इसके बारे में देखते हैं। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और वर्तमान में सीईओ एमडी और सीईओ है चंद्रशेखर घोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, यही है निखत जरीन, और इन्होंने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार की कंपनी कौन सी बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनी है अभी रिलायंस जियो ने वोडाफोन आइडिया को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार की कंपनी बनी है। इससे पहले कुछ दिनों पहले भी रिलायंस जियो दूसरे नंबर पे आई थी एयरटेल को पीछे छोड़ के, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। अब पहले पे आ गई रिलायंस जियो, दूसरे पे है वोडाफोन आइडिया, तीसरे पे है एयरटेल। वोडाफोन आइडिया का विलय हुआ था इसलिए वोडाफोन आइडिया एक ही बन गई है अब कंपनी, तीसरे पे अब एयरटेल है, तो पहले पे रिलायंस जियो है, ध्यान रखना है। और रिलायंस जियो के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बैंकिंग ढांचा उत्कृष्ट 2022 किसने शुरू किया है, तो ये क्या है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ढांचा उत्कृष्ट 2022 शुरू किया है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें जो सेंट्रल बैंक है उस पर निगरानी के लिए ये शुरू किया है RBI ने। अभी RBI ने क्या है, तो RBI वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर है RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, कहाँ पे मुंबई में, और RBI के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये 25वें गवर्नर है RBI के, तो ये ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई है ब्राजील में, तो हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। अब ये ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स के फुल फॉर्म में ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, कब हुई थी 2006 में, लेकिन इसमें दक्षिण अफ्रीका लास्ट पहले ब्रेकी था BRIC, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था, तो फिर ब्रिक्स बन गया, तो साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आदित्य एल सौर मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो ये की है इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, तो इसी ने आदित्य एल सौर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये करेगा क्या, तो ये जो सूर्य के चारों जो परतें हैं उसका अध्ययन करेगा आदित्य एल सौर मिशन, तो ये लॉन्च करने की घोषणा की है इसरो ने, तो अब इसरो इंपॉर्टेंट है। इसरो की पहले तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च �ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसरो के 15 अगस्त 1969 को, और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोरु में, और वर्तमान में अध्यक्ष के सीवान, और अभी इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो ये ध्यान रखना है 22 जुलाई को किया था 2:43 पर, तो ये ध्यान रखना है चंद्रयान सेकंड, तो ये इसरो ने लॉन्च किया था। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में BS येदुरप्पा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये ली थी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी BS येदुरप्पा, और ये चौथी बार बने थे कर्नाटक के CM। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य रूफटॉप सौर स्थापना में शीर्ष पर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और रेड कलर के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी को भी RRB JEE CBT 2 और SSC JEE के लिए या अदर एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ने सारे इंपॉर्टेंट, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।